गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9, लाइफ ऑफ अर्ली मैन, वी हैव रेड अबाउट द अर्ली मैनस लाइफ, दैट दे लिव्ड इन जंगल, दे वर फूड गैदरर एंड हंटर. ओके, इन टूडेज चैप्टर we are going to learn about the development of human being, then how could they become civilized. Okay, ki unhone civilized way mein in a proper manner properly technologically kaise development kiya. Okay, so in today's video we are going to learn about the development of civilization, that how अर्ली मैन डेवलप्ड टू अ सिविलाइज्ड पर्सन. एक सिविलाइज्ड पर्सन, एक अच्छा पर्सन, जैसे मैनर्स हैं रहने के, जो प्रॉपर वे में अच्छे से सबसे मिलजुल कर रहता है, वो कैसे स्टार्ट हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी from the period when man was a food gatherer to the time when he became a food producer. In earlier time, in Mesolithic age, Paleolithic age, Neolithic age, man was a food gatherer, and in last age, that is Neolithic age, he became the food producer. And there are so many changes in their life. These changes laid the foundation of civilization. His life changed with the time, and all these changes made him a civilized person and laid the foundation of civilization. Firstly, he lived in jungles, he lived in forest, in caves, and then he started living in huts. Okay, तो ये कैसे changes आए? बहुत सारे slow process रहा changes का. Technologically उसने बहुत अपने mind को sharp किया, उस new technologies को discover किया, develop किया, तो ये changes धीरे धीरे आए. Okay, civilization is that stage in human development when a lot of progress took place in the field of art, science, social, political and economic institutions. Civilization kya hoti hai? It means development in all the field of life, whether it is art, science, सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस. इन सब चीज़ों में जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है तो सिविलाइजेशन की स्टेज आ जाती है. धीरे धीरे पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करता है, अच्छे से रहना स्टार्ट करता है. ओके, और लोगों से मिलना, बात करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, आर्ट वर्क में चेंजेस आते हैं. तो इस स्लो प्रोसेस में पर्सन सिविलाइज्ड होता जाता है. ओके, एंड इट इज़ द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. मेनली ये ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, वो है. ओके, अर्ली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल and clay to make bricks for building houses. Now in earlier time, human being lived in forest. There is no need to make hut. So agar hut nahi hai to bricks ki bhi zarurat nahi hai. But when he started living on a place, he settled on a place, so he need houses. Okay, aur houses ke liye he started making bricks.
एंड डू यू नो ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ क्ले, मिट्टी की बनती हैं ब्रिक्स. ओके, सो ही स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर बैंक एंड हेयर ही फाइंड फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल मीन्स वो सॉइल जिसमें क्रॉप्स बहुत अच्छा ग्रो करती हैं. बिकॉज नाउ ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, तो अच्छी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ही नीड वाटर, ही नीड फर्टाइल सॉइल. तो ही स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर बैंक बिकॉज इट इज ईजी फॉर देम. वहाँ पर ईजीली वाटर अवेलेबल था और सॉइल बहुत फर्टाइल थी एंड दे गेट क्ले फ्रॉम देयर टू मेक ब्रिक्स. ओके, द वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज मॉडरेट क्लाइमेट. अब जहाँ पर वाटर बॉडीज होते हैं ना, वाटर बॉडीज मीन्स रिवर, ओशन, लेक. ओके, सो ही स्टार्टेड लिविंग नियर वाटर बॉडीज एंड वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड देम ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बोट्स. ओके, वो इजीली बोट के थ्रू रिवर को क्रॉस कर सकते थे, रिवर के पाथ से वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक जा सकते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी था. ओके, एंड दे गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग. रिवर में फिश होती हैं तो दे कैन डू द फिशिंग. ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प देम टू डू द ट्रेड. ट्रेड वर्क मीन्स बिजनेस. अपने जो जो भी वो ग्रो कर रहे थे या जो वीविंग करके क्लोथ्स बना रहे थे, तो उन्हें सेल करने के लिए वो दूसरे एरिया में जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स. ओके, एंड रिवर ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द क्लाइमेट. रिवर के पास का क्लाइमेट बहुत मॉडरेट होता है, ना वहाँ पर ज़्यादा हॉट होता है ना कोल्ड. ओके, तो रिवर प्रोवाइड देम मॉडरेट क्लाइमेट. ओके, सो दीज आर द रीज़न दैट अर्ली मैन स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर. ओके, मैन हैड लर्न्ड द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एंड स्मेल्टिंग द कॉपर इन द लेटर न्योलिथिक पीरियड. एक्सट्रैक्टिंग मीन्स टेक आउट, कुछ निकालना, बाहर लाना. ठीक है, जब उसने रॉक्स को हीट किया, वहाँ पर उसे क्या मिला? कॉपर. ओके, सो ही लर्न्ड द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इन द लेटर न्योलिथिक पीरियड. न्योलिथिक पीरियड के लास्ट टाइम में, बाद के टाइम में, उसे कॉपर कैसे निकालनी है स्मेल्टिंग के थ्रू. स्मेल्टिंग मीन्स टू हीट एंड मेल्ट ओर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट. रॉक्स को हीट करके उसमें से कॉपर को मेल्ट कर लेते थे. ठीक है, और फिर वो कॉपर और रॉक अलग अलग हो जाते थे. ओके, दैट इज स्मेल्टिंग. तो ही लर्न्ड द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर. ओके, हिज एक्सपेरिमेंट हेल्प्ड हिम टू प्रोड्यूस अ न्यू मेटल कॉल्ड ब्रोंज एंड इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बींग. वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है, नई थिंग्स को ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है हर टाइम पर. ओके, तो उसके एक्सपेरिमेंट्स ने हेल्प किया कि नई मेटल प्रोड्यूस की जाए. और कौन सी मेटल थी? इट इज़ ब्रोंज मेटल. आपने मेडल्स सुने हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और लास्ट होता है दैट इज़ ब्रोंज मेडल. तो ये वही मेटल थी, ब्रोंज. ओके, एंड विच इज़ एन एलॉय ऑफ टू मेटल्स दैट इज टिन एंड कॉपर. और जो ब्रोंज है वो टू मेटल्स को मिक्स करके बनी है. वन इज टिन एंड द अदर वन इज कॉपर. टिन और कॉपर को जब हम मिक्स कर देते हैं तब क्या बनता है? ब्रोंज. विच मेटल फॉर्म्ड? ब्रोंज मेटल. ओके, ठीक है, तो ब्रोंज मेटल इज एन एलॉय ऑफ टू मेटल्स दैट आर
tin and copper, and it is stronger and more durable than both. अब ये जो ब्रॉन्ज मेटल बनाई थी, न्यू डेवलप की थी, तो वो कॉपर से और टिन से स्ट्रॉन्ग थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ज़्यादा टाइम तक चलती थी. ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम तक चलती थी. दिस पीरियड केम टू बी नोन एज ब्रॉन्ज एज. अब जिस टाइम पीरियड में कॉपर को इन्वेंट किया, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज कॉपर एज. एंड व्हेन दे डेवलप्ड ब्रॉन्ज, देन दिस पीरियड इज नोन एज ब्रॉन्ज एज. ओके, हियर वी कैन सी सम रिवर वैली सिविलाइजेशन. ऐसी सिविलाइजेशन जो रिवर के पास डेवलप हुई थी, रिवर के पास रहना स्टार्ट किया था. देयर आर इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज इन इंडिया. ओके, एंड चाइनीज सिविलाइजेशन दैट डेवलप्स नियर येलो रिवर. सो देयर आर फोर मेजर एशियन सिविलाइजेशन. ओके, चार मेन सिविलाइजेशंस हैं जो रिवर के पास डेवलप हुई. इट हेल्प द मैन टू मेक बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन. इसने हेल्प किया, किसने, ब्रॉन्ज ने. जो ब्रॉन्ज मेटल डेवलप किया था, उस ब्रॉन्ज मेटल ने ह्यूमन बीइंग की हेल्प की टू मेक बेटर टूल्स, और अच्छे टूल्स बनाए जाएं. ओके, अच्छे टूल्स बनाए जा सकें एंड उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके, उनकी एफिशिएंसी कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करें और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके. This period saw the development of new skills and craft. जिसे हम आजकल अपने स्किल डेवलप कर रहे हैं, हर चीज़ में नई चीज़ों को डेवलपमेंट मिल रही है. सो सेम इन दैट पीरियड ह्यूमन बींग डेवलप्ड देयर स्किल्स. उन्होंने भी अपनी स्किल्स को डेवलप किया. द विलेज सेटलमेंट्स स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड. Now, in some villages they grow wheat and in other villages they grow rice. ठीक है, some started weaving silk or some started weaving cotton clothes. So these are the different things. They are producing different things. So they started exchanging their things. Okay. डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में लोगों ने अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर लिया. क्लोथ्स की नीड सबको है, एवरीबडी नीड्स क्लोथ, फूड. ओके, सो दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर थिंग्स. जो पर्सन कोई चीज़ बना रहा था, उसने दूसरे पर्सन के साथ उसे एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया. द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज led to the rise of civilization. When the human beings started trade work and when the villages started growing, so it gives the rise to civilization. जब अच्छे villages बनना start हुए, लोगों ने trade work करना start कर दिया, अच्छे से एक जगह पर settled होना start किया, proper way में food grow करना start किया, तो उससे civilization भी grow हुई. okay? Remains of ancient civilization have been found in Mesopotamia, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, modern Iraq, Egypt, China and India. We have discussed before, ये four civilizations हमने discuss की थी. okay? कि main four civilizations हमें कहाँ मिली, Egypt में Nile River के पास, Mesopotamia जिसे अब हम Iraq बोलते हैं, Iraq का area, and India में Indus Valley के पास और China में येलो रिवर के पास. ओके, दीज आर द फोर मेजर
रिवर वैली सिविलाइजेशंस. ओके, वी विल डू दिस कंपैरिजन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो कि ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डेवलपमेंट इन इट्स टाइम. अपने टाइम में ह्यूमन बीइंग ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर बैंक्स और ही जस्ट मेड द ब्रॉन्ज मेडल को उसने बनाया. ओके, एंड नाउ ही स्टार्टेड मेकिंग बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. ही स्टार्टेड ट्रेड वर्क. ही डेवलप्ड इट्स स्किल. ओके, तो ये ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट होना और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई थी. राइट, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. रीड द टॉपिक. थैंक यू.